अस्सलाम गाइस, दिस इज मी वकर मुगल वंस अगेन। यार बड़े अरसे बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन ट्रैवल व्लॉग होने वाला ही है। सो अब बेसिकली ये है कि अब टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और सुबह के जो हैं जब बजेंगे ना 4:35 तब मेरी फ्लाइट है। तो लेट्स सी कैसा जाता है जी अपना ट्रैवल व्लॉग। सीन ये है कि ये जर्नी जो है ना मैं कोशिश करूँगा पूरी मैं कवर करूँ, तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। दूसरी बात बताने का मेरा ये सीन है कि यार मेरा ना अबू धाबी में लाइक इतिहाद से मैं जा रहा हूँ। अबू धाबी में मेरा स्टे है तकरीबन कोई 7 घंटे का। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि यार चलो यहाँ से लाहौर से हम जाएंगे अबू धाबी, ठीक है, वो सारा कवर करूंगा और फिर वहां पे जो 7 घंटे का स्टे है ना वहां पे फिर ऑब्वियसली बात है वेला आदमी क्या ही कर सकता है, वो घूम फिर सकता है, वीडियो बना सकता है, आप लोगों को दिखा सकता है और खुद भी कह लो कि मतलब यू नो टाइम पास आपका हो सकता है इसमें। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। सो इसलिए तुम लोगों को पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ और बस अभी तैयारी शारी चल रही है, गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलवाने आया हूँ। सिर्फ तुम लोगों के साथ बकाया जितनी जर्नी है वो मैं शेयर करता हूँ और स्टे ट्यून्ड। ये ट्रैवल व्लॉग जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों को पसंद आएगा, मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है, रॉ एक्सपीरियंस जिस तरह भी है, कोई शुगर कोटेड सीन नहीं, रॉ एक्सपीरियंस जिस तरह है यू नो जिस तरह, वो सारा मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड लेट्स सी हाउ डज इट गोज। और फिर उधर लंदन जाके फिर मेरा 20-22 दिन का ट्रिप है, तो फिर वो सारा जो है वो भी मैं तुम लोगों से कोशिश करूंगा कि एवरी डे जो भी मैं कुछ डिफरेंट करूंगा। सो मैंने तुम लोगों को बताया था कि लाहौर एयरपोर्ट जब मैं आया हूँ तो यार इट वॉज टू रशी, इतना रश था कि भाई समझ से बाहर है कि भाई क्या सीन है। सो लाहौर एयरपोर्ट आए हैं, वहाँ पे मैंने फिर वो जो भी इतना रश से गुजर के लाइक 3-4 फ्लाइटें थी जो इकट्ठी जा रही और इतना रश था कि जाम पैक हुआ हुआ था सीन, लाइक समझ नहीं आ रही थी कि यार लाइक क्या मतलब है भाई, क्या आप एयरपोर्ट आपने खोल ली है लेकिन आपसे संभाले नहीं जा रहे। वो बंदे पे बंदा, एक टर्किश बंदा मेरे सामने खड़ा है, मतलब मेरे पीछे खड़ा है, वो मतलब आवाम की हरकतें देख के कह रहा था या अल्लाह हबीबी माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तानी जिंदाबाद, मतलब अपनी तरफ से ना वो टॉन्ट मार रहा था, ही वाज टॉन्टिंग बेसिकली कि यार ये क्या आवाम है और मैं किधर आके फंस गया। तो मैंने उससे सवाल ये पूछा, मैं कहा ब्रो तू आया इधर क्या लेने हैं, हम लोग यहाँ से जाते हैं बाहर, तू यहाँ पे आ गया ले। बट स्टिल जोक्स असाइड सीन ये था कि यार ही वाज लाइक रियली पेस्ट के यार अवाम क्या कर रही है, और अवाम जो है वो एक दूसरे, शुक्र है वो दो आंटियों ने ना एक दूसरे के बाल नहीं पकड़ लिए, मैं वेट कर रहा था कि यार अभी जो है ना काम शुरू हो जाए, लेकिन बचत हो गई। खैर एनी हाउ अबू धाबी एयरपोर्ट एंड द फन पार्ट है इसके, जिस तरह मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि भाई यहाँ पे अपना जो स्टे है ना वो है समवेयर अबाउट 7 घंटे। मैं पहले यूएस से आया था और वहाँ पे जो स्टे था मेरा वो था समवेयर अबाउट 16 घंटे। तो 16 घंटे से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये वाला जो स्टे है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिल सीन है। लेकिन ये देखें हमें बटलर्स कैफ़े भी नज़र आया लाहौर वाला, ये तो मैं ये देख रहे हैं बटलर्स कैफ़े, अब मुझे लगता है पाकिस्तानी शायद नहीं होगा बट स्टिल यह हो सकता है वो भी हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो या वो 16 घंटे का स्टे था और उस 16 घंटे में हुआ मेरे साथ ये था कि मेरा इंटरनेट भी कनेक्ट नहीं हुआ था, मतलब मेरे फ़ोन से वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा था और मैं 16 घंटे विदाउट वाईफाई, और मैं आया हुआ था मायामी से मैं लाइक हाई हाफ स्लीव शर्ट पहन के ना लाइक फुल इस तरह के मॉल में आया हुआ था जिस तरह। सो पता ये लगा कि भाई जब मैं लैंड एट टर्की, सो पता ये लगा कि वहाँ पे भाईजान -2 टेम्परेचर है। मैं मायामी वाली वाइब में आया हुआ था पूरी, लाइक मेरा था कि कोई नहीं यार मतलब जवान बंदे हैं जाएंगे हाफ स्लीव में एंजॉय करेंगे, लेकिन जब मैं उधर लैंड किया तो वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, एयरपोर्ट इतना ठंडा और मैं इस तरह के हालातों में था निकर एंड हाफ स्लीव शर्ट।
तो तुम लोग अंदाजा कर सकते हो कि अपन के साथ क्या गुजरी होगी। खैर तो बात बताने का मकसद ये है कि लाइक दैट वाज लाइक समवेयर अबाउट 16 आवर्स, बट ये जो है स्टे मेरा ये है 7 घंटे, तो उसके मुकाबले में अगर मैं देखूँ तो ये तो मुझे बहुत बेबी टाइप सीन लग रहा है। लाइक 7 घंटे मतलब कोई मसला ही नहीं है यार, 7 घंटे तो हम हंस खेल के गुजार लेंगे, वो वाला सीन। बहरहाल अब 7 घंटे गुजारने भी तो है ना, तो वो अभी मैं कर रहा हूँ एंड एयरपोर्ट घूम रहा हूँ, तब से घूम घूम के जो है ना मेरे जूते जो है ना वो गालियाँ दे रहे हैं इसमें मुझे, यकीन करें। बहरहाल अब ये है कि आगे जाता हूँ, जो भी चीज़ फनी कोई मतलब नज़र आती है, कोई हैपनिंग चीज़ होती है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा लाजमी। सो स्टे ट्यून्ड एंड ये व्लॉग यूके जाके ख़त्म करेंगे, बाहर यूके का जो मेरा ट्रिप है 20-22 दिन का जितना भी, वो फिर मैं आगे से डिफरेंट डिफरेंट डेज पे व्लॉग्स बनाऊंगा और ये पूरी सीरीज बनाऊंगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड होपफुली यू गाइस विल एंजॉय द जर्नी विद मी। बस 3 घंटे हो गए और शदीद किस्म की जो है ना थकावट शुरू हो चुकी हुई है, नींद से मेरी हो रही हैं आँखें बंद। 4 घंटे और बढ़े हैं, ठीक है। और मैं तुम लोगों को बर्ड भी दिखाता हूँ, मैं ना बड़ा एक्साइटेड हूँ वैसे एक बात पर, क्योंकि लाइक आगे जो हमने यहाँ से जो लंदन की हीथरो जाना ना ट्रेन, वो है A380 एंड A380 एक फन फैक्ट तुम लोगों को बताता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर पैसेंजर्स एंड A380-800 का नाम है इसका मॉडल नंबर है एंड इट कैन टेक अप टू 800 पैसेंजर्स एट वन गो। सो ये दुनिया का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, लेट मी जस्ट शो यू गाइस रियल क्विक। तो मैं अभी लाउंज में बैठा हूँ, मैं तुम लोगों को जाके दिखाता हूँ A380 चेक करूँ। सो गाइस ये है A380, ये देख सकते हो आप, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। यू कैन सी 2 इंजन हैं एक विंग पे, फिर डबल डेकर है, लाइक ये ऊपर वाली फ्लोर है सारी और ये नीचे वाली फ्लोर है सारी। सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस, सो लेट्स सी कैसा सीन जाता है एंड कैसी फ्लाइट रहती है। अगली जो फ्लाइट है वो तकरीबन 8 घंटे की है, अभी 4-5 घंटे मुझे लगता है बैठ के वेट करेगा और उसके बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह टेक ऑफ करेंगे एंड फिर टेक यू गाइस विद मी एंड सारा सीन जो है ना दिखाऊंगा। बर्ड आ रही है सामने से, छोटी बर्ड है लेकिन है बर्ड, ये बिग बर्ड है, चेक कर रहे हैं आप। बैठ गए जी, आके फिर बैठ गए, बालों की कुछ समझ नहीं आ रही, आप देख सकते हैं बाल तो मेरे ऐसे हैं जिस तरह खेती में 6 महीने से आपने वो ना चलाई हो, वो क्या होती है आप समझ रहे हैं ना, खेती में चलाते हैं, आई मीन घास के ऊपर चलाते हैं और वो घास काटता है, तो ये घास वाला माहौल है खेती के अंदर ना, वो हमने चलाया नहीं उस तरह बड़े अरसे से। अब मैं वेला बैठा हूँ ना यार, अब मैंने यही बातें करनी है ना तुम लोगों के साथ, मतलब और मैं क्या ही करूँ, मतलब देखो इतने हम सारे सो रहे हैं, ठीक है बर्ड जो है वो तो खड़ी है वेट कर रही है, अभी वो 4 घंटे हैं, तो मतलब क्या ही करूँ मैं, यही गोंगियाँ मार सकता हूँ ना तुम लोगों के साथ। सुन लो यार, बेचारा मासूम आदमी है जो 3 घंटे 3.5 घंटे से बैठा हुआ, 4 घंटे और बैठना है, फिर उसके बाद 8 घंटे और बैठना है बर्ड के अंदर, तो यार अंडरस्टैंड करो मेरी पॉइंट को समझ रहे हो, लाइक ये हालात एवं नहीं हो जाते, ये बैठ बैठ के ना आपका दिमाग जब पुट्ठा चलता है ना, तो वो तब ये इस तरह के हालात होते हैं आपके मालूम, एक जनरल नॉलेज के लिए ना आप लोगों को मिलता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, सो आई वॉज लाइक उसके बाथरूम चेक करते हैं, लेकिन बाथरूम डिसअपॉइंटिंग है यार, लाइक इतने बड़े नहीं है, पूरा शीशा आपको मिल जाता है पार्टी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको पता ही है फिर सारा बिजनेस पार्टनर जो है आपका वो है। उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ लिटिल बिगर, बट नोप